हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जावेद पठान और मैं हूँ एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो है वैक्यूटेनर ट्यूब्स के बारे में। वैक्यूटेनर ट्यूब्स जो होते हैं वो हैं ब्लड कलेक्शन करने के लिए होते हैं। ब्लड कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प होता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैक्यूटेनर ट्यूब्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा उसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो ट्यूब्स होते हैं उसके कलर्स क्या होते हैं और कौन से ट्यूब्स में कौन सा सैंपल लिया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है वैक्यूटेनर ट्यूब। तो इसी तरह बहुत सारे वैक्यूटेनर ट्यूब्स होते हैं जो सैंपल को कलेक्ट करते हैं, सैंपल को कलेक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें होता यह है कि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और कुछ विदाउट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यानी कॉमनली, मोस्ट कॉमनली एंटीकोअगुलेंट्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। तो इस वैक्यूटेनर जो है, ये जो वैक्यूटेनर्स जो हैं, ट्यूब्स जो हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड को सेफ रखने के लिए, कोई भी कंटेमिनेट ना होने के लिए, इजीली ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन सा वैक्यूटेनर कब यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड वैक्यूटेनर ट्यूब के बारे में। ये जो कलर रेड होता है, इसमें सिर्फ, इसमें कोई भी एंटीकोअगुलेंट नहीं होता है, इसलिए ये वैक्यूटेनर को हम लोग सेरोलॉजिकल, जो बायोकेमिस्ट्री में सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि सेरोलॉजिकल टेस्ट में आ गया ब्रुसेला टेस्ट, वाइडल टेस्ट, ये सब सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन होता है। तो ये स्पेसिफिक इसी के लिए यूज़ करते हैं, रेड वैक्यूटेनर ट्यूब। तो हमने अभी देखा रेड कलर के वैक्यूटेनर ट्यूब के बारे में। अब बात करते हैं ग्रे वैक्यूटेनर ट्यूब के बारे में। ग्रे वैक्यूटेनर ट्यूब में दोस्तों होता है सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट। और ये जो ग्रे वैक्यूटेनर ट्यूब जो होता है, हम मोस्ट कॉमनली जो ग्लूकोज का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि शुगर चेक करने के लिए जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, तो इसी वायल में हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये ब्लड जो है सेफ होता है इस वैक्यूटेनर ट्यूब में। तो ग्रे होने के बाद आप बात करते हैं पर्पल कलर का। जो पर्पल कलर का वैक्यूटेनर ट्यूब जो होता है, इसमें मोस्ट कॉमनली एंटीकोअगुलेंट जो होता है वो EDTA होता है, EDTA होता है, यानी कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये जो एंटीकोअगुलेंट है ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो ये जो वैक्यूटेनर जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, होल ब्लड ब्लड काउंट, या फिर सेल काउंट में, पूरा जो सेल काउंट करते हैं RBC WBC, उसमें भी यूज़ होता है। और जितने भी हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वहाँ पे ये पर्पल कलर का वैक्यूटेनर ट्यूब यूज़ होता है। और जितने भी हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ESR, सेल काउंट, सारे टेस्ट में ये ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प होता है वैक्यूटेनर ट्यूब, जो कि पर्पल कलर का है। दोस्तों अब जो हम बात करते हैं वो है लाइट ब्लू वैक्यूटेनर ट्यूब के बारे में। इसमें जो होता है सोडियम सिट्रेट होता है, जो कि 3.8%, 3.2% इस परसेंटेज में होता है। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब जब हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स टेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTINR, ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसके लिए ये वैक्यूटेनर ट्यूब यूज़ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीन कलर का जो वैक्यूटेनर ट्यूब होता है। इसमें जो सैंपल हम लोग लेते हैं वो फ्लूड एस्पिरेटेड एस्पिरेशन होता है, जैसे कि बोन मैरो, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। इसको एस्पिरेट करने के बाद हम लोग इसमें, इस वैक्यूटेनर ट्यूब में लिया जाता है और इसमें टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों येलो और गोल्ड कलर का वैक्यूटेनर ट्यूब।
ये कॉमन, इसमें कॉमनली जो होता है वो होता है सीट्रेट होता है, सिर्फ इसमें सीट्रेट मौजूद होता है जो हेल्प करता है RFT, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, रिनल फंक्शन टेस्ट, जितने भी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के, उसके फंक्शन, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट टेस्ट के लिए ये वैक्यूटेनरी ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह जो आखिरी वैक्यूटेनरी ट्यूब जो होता है वो है K2-EDTA ब्लड होता है, ब्लड वैक्यूटेनरी ट्यूब जो होता है। इसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं ब्लड बैंक में, जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको ब्लड बैंक में भेजा जाता है ताकि उसको क्रॉस मैच कर सके, उसका ब्लड ग्रुप चेक कर सके, उसका डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हम लोगों को ब्लड बैंक भेजा जाता है। तो उसके लिए अलग से K2-EDTA ब्लड में, ब्लड वैक्यूटेनर में डाला जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसमें ये सबसे ज़्यादा सेफ भी रहता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से हम लोग वैक्यूटेनर ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज में, ब्लड बैंक में ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसमें सैंपल्स जो होता है बहुत ही सेफ रहता है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो दोस्तों, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।